विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों देश के अलावा विदेशों में बसे भारतीय भी भगवान महाकालेश्वर के दर्शन को पहुंच रहे हैं। बुधवार को अबू धाबी से आए एक NRI ने मंदिर की व्यवस्था से प्रसन्न होकर 1,00,000 रुपए का दान चेक के माध्यम से किया है। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशों में बसे भारतीय सदस्यों का दल पिछले 4 दिनों से श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। 4 दिनों से प्रवासी भारतीय श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने और श्री महाकाल महालोक का अवलोकन करने आ रहे हैं। बुधवार को अबू धाबी से भगवान महाकालेश्वर दर्शन को पहुंचे राजकुमार भाटिया मंदिर की व्यवस्थाओं से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 1,00,000 रुपए का चेक दान स्वरूप भेंट किया। मंदिर समिति के प्रशासनिक कार्यालय में सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने चेक प्राप्त कर दानदाता भाटिया का भगवान महाकाल का प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान मंदिर समिति के अधीक्षक प्रेम नारायण उद्देनिया, बाहरी पुरोहित पंडित शैलेंद्र व्यास भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 4 दिनों के दौरान विदेशों के करीब 2,000 प्रवासी भारतीय मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बुधवार को पहले NRI हैं जिन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर 1,00,000 का दान किया है। NRI भाटिया ने कहा कि उनकी इच्छा है कि हर बार भगवान महाकाल के दर्शन को यहाँ आए। मैं अबू धाबी से आया हूँ। वैसे तो हम लोग हर साल इधर महाकाल का प्रसाद लेने आते थे, पर पैंडमिक की वजह से 3 साल तक नहीं आ सके, तो ये हमें सौभाग्य मिला अभी आने का। और इधर मुझे बहुत सहायता मिली 1 फरवरी तक से। सब लोगों ने बहुत सहायता की हम लोगों को दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। भगवान करे हर टाइम हम इधर ही आए, इधर भगवान की सेवा करें, यही हम चाहते हैं। भारत हमारा दिल का देश है, दिल से बंधे हुए हैं, इधर ही पैदा हुए हैं,